हाय, मैं हूँ प्रीना। वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हॉल वीडियो हम लोग देखने वाले हैं अमेज़न से। और जनरली कैसा होता है ना, जब भी मैं आप लोगों के लिए अमेज़न से समर स्पेशल हॉल वीडियो लेके आती हूँ, तो उसमें कैसा रहता है कि जैसे मैंने आपको कुर्ती दिखाई, तो कुर्ती को हम कैसे पेयर करते हैं, प्लाजोस के साथ में पेयर कर लेते हैं, लेगिंग्स के साथ में पेयर कर लेते हैं। लेकिन आज का जो कलेक्शन होने वाला है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। समर्स के हिसाब से लेके आई हूँ। मोस्ट ऑफ दी आउटफिट्स जो हम आज के हॉल में देखने वाले हैं, कॉटन के होने वाले हैं। कुछ एक दो ही ऑप्शंस में आपको ऐसे दिखाऊंगी जो रेयन के होने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं आज ऐसी कुर्तीज दिखाने वाली हूँ जिन्हें अगर आप चाहें तो आप लेगिंग के साथ में और या अगर आप चाहें तो प्लाजोस के साथ में पेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आज की ड्रेसेस को, यानी कि आज की कुर्तीज को कुर्ती ड्रेस के तरीके से भी पहन सकते हैं। तो यानी कि आपके ऊपर छोड़ा, आप जिस तरीके से चाहे स्टाइल कर सकते हैं। मतलब आज के टाइम पे ऐसी कुर्तीज आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने वाली हूँ फॉल वीडियो में, जो आपके वेकेशन के लिए भी काम आएंगी और साथों साथ स्पेशल इवेंट्स के लिए भी काम आने वाली है। कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉटम्स को पेयर करना है कि बिना बॉटम्स के पहनना है कुर्ती ड्रेस के तरीके से। तो मतलब बहुत अच्छी वाली वैरायटी होने वाली है। वीडियो वन सिंगल ब्रांड से लेके आई हूं, अनटंग ब्रांड का नाम है। अगर आज के हॉल में से आपको कुछ भी पसंद आता है बाय करने के लिए, तो सभी आउटफिट्स के लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हॉल का सबसे पहला आउटफिट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एक कुर्ता है जिसकी नेकलाइन पे आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की डिटेलिंग मिलेगी। मैंने इसे फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये पूरे हॉल का मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट आउटफिट है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये प्योर कॉटन मटेरियल का। इसकी जो नेकलाइन आप देख रहे हैं ना, उसके ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क का डिटेलिंग आपको मिलेगा। साथ में मिल जाता है फॉल्स मिरर्स का डिटेलिंग। इसकी नेकलाइन में आप यहाँ पे ये देखिए, डोरी के साथ में टैसल्स मिलते हैं और लिटरली इसके टैसल्स जो है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप देखो कितना प्यारा टैसल है जो बनाया गया है। और ये वाला जो कुर्ता है ना, इसकी आपको कुछ इस तरीके से फ्लफी स्लीव्स मिल जाती हैं। प्रिंटेड आपको ये कुर्ता मिलेगा। बहुत ज्यादा ब्राइट रेड शेड भी नहीं है, बहुत ज्यादा डल रेड शेड में भी नहीं है, एक मीडियम शेड में आपको ये मिलता है। इस तरीके से आपको ये ए लाइन कुर्ता मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको प्रिंटेड मिलेगा ये। इसमें आपको ना ब्लैक शेड के ना फ्लावर्स जो है वो बना के मिलते हैं। बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो बैक में भी कुछ इस तरीके से आपको जो है सेम प्रिंट देखने के लिए मिलेगा, स्टार्ट टू एंटर। इसका जो लेंथ है वो मीडियम लेंथ आपको मिलता है। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है, यानी कि लेस देन 5'7" है, तो आप चाहो ना तो कमर पे बेल्ट लगा के ब्लैक कलर के लॉन्ग बूट्स के साथ में आप इस शॉर्ट कुर्ती को पेयर कर सकते हो। या अगर आप चाहो तो शॉर्ट लेंथ के जो ब्लैक बूट्स नहीं होते उनके साथ में भी आप पेयर कर सकते हो, या फिर व्हाइट अपने जो स्नीकर्स होते हैं उनके साथ में भी आप चाहो तो ये वाला जो कुर्ता है इसे पेयर कर सकते हो। ये रीजनेबल ही मैंने लिया है। इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसका प्राइस एकदम परफेक्ट है। आप डेफिनेटली अगर इसे चाहो तो बाय कर सकते हो। मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया, एकदम क्वालिटी इसकी वाव आपको मिलती है। साइज जो मैंने अपने लिए पिक किया है इस ब्रांड में वो है L, और L मुझे इस वाली कुर्ती में कंप्लीटली परफेक्ट आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा एक्चुअली लूज ही पहनना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस ब्रांड में, मैंने ली है एक लाइट शेड की कुर्ती। ये कुर्ती ड्रेस है, बहुत ही प्यारी लगी। ये भी एक ऐसी कुर्ती है, आप चाहो तो इसे कुर्ती ड्रेस के तरीके से पहन सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसके नीचे डेफिनेटली बॉटम भी पेयर कर सकते हो। और ये भी आपको मिलती है प्योर कॉटन मटेरियल की, कट स्लीव्स की आपको मिलती है। बहुत ही लाइट और सॉफ्ट सा शेड आपको मिलता है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफी सटल आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये भी मैंने जो वेयर किया है साइज L में वेयर किया है इस ड्रेस को भी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपको फ्रंट लुक देखने के लिए मिलता है। प्योर कॉटन मटेरियल का है और जैसा कि मैंने कहा कलर कॉम्बिनेशन काफी सटल रखा गया है। प्लीटेड आपको यहाँ पे ना पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, और ये आपको बहुत ही अच्छी फ्लेयर वाली लॉन्ग कुर्ती या लॉन्ग कुर्ती ड्रेस आप कह सकते हैं। मतलब समर्स के हिसाब से हमारा सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि हम कॉटन मटेरियल की कुर्तीज को बाय करें या कुर्ती ड्रेसेस को बाय करें।
ठीक है, तो ये आपके लिए समर के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन में लेके आई हूँ। और इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको पॉकेट भी मिल जाती है, जो कि आप ट्रायल में डेफिनेटली देख सकते हैं। लेट मी चेक कि इसमें आपको स्लीव्स मिल जाती हैं क्या। तो इसमें आपको अंदर एक्स्ट्रा स्लीव्स नहीं मिलती है, तो अगर आप कट स्लीव्स वेयर करने में कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो। वैसे इसका लेंथ काफी अच्छा है, तो अगर आपकी टॉल हाइट भी है तो भी आपको ड्रेस का लेंथ छोटा नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। इसके बाद में मैं जो आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ वो है एक कॉटन मटेरियल की एक और स्ट्रैप वाली ड्रेस, जो कि समर्स में लोग पहनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसे आई गेस मैंने 999 का बाय किया है, बट मुझे ये मतलब ऐसा इसको देख के फील हुआ कि ये ड्रेस काफी सारे लोगों को इस हॉल वीडियो में से पसंद आएगी। सबसे पहले इसका जो शेड है वो बहुत अपीलिंग शेड है, ग्रीन और ग्रे का एक मिक्स शेड है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। साथों साथ यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इस ड्रेस के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से फुल ऑन पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क का डिटेलिंग मिल जाता है। बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो बैक साइड आपको काफी अच्छी खासी स्ट्रेचेबल इलास्टिक मिल जाती है। वेकेशन के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा ऑप्शन है, अफोर्डेबल भी है और समर्स के हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि प्योर कॉटन मटेरियल का है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ इसकी भी आपको काफी अच्छी मिलती है। ड्रेस की अगर मैं बात करूं कुर्ती ड्रेस की, तो इसमें फ्लेयर आपको काफी अच्छा मिलता है और बहुत ही सटल पैटर्न मिलता है, सटल डिजाइन मिलता है। बैक से आपको प्लेन मिल जाती है, तो ज्यादा जिनको डिटेलिंग पसंद नहीं है आउटफिट्स में, जो थोड़ा सा डिसेंट वेयर करना पसंद करते हैं, मतलब ज्यादा एम्ब्रॉयडर्ड भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सीक्वेंस का काम भी नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा स्टाइलिश भी है और लुक वाइज सटल भी है। ठीक है, इसमें साइड में आपको कोई भी जिप नहीं मिलती है, क्योंकि बैक साइड में आपको स्ट्रेचेबल इलास्टिक मिल जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग जो ब्रांड हमें क्वालिटी ऑफर कर रहा है वो काफी अच्छी है, तो आप ये भी चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अब हम लोग देखते हैं एक कुर्ती जो कि है रेयॉन मटेरियल की, और यहाँ पे मैं आपके लिए मॉडल का फोटोग्राफ भी लगा रही हूँ। आप देखेंगे तो मॉडल ने इसे शूज के साथ में पहना हुआ है, तो आप एज अ कुर्ती ड्रेस भी इसे पहन सकते हैं। ये है रेयॉन मटेरियल का। यहाँ पे आप ये जो बेल्ट का पोर्शन देख रहे हैं, ये है पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क जो यहाँ पे आपको करके मिलता है। बहुत ज्यादा ब्राइट ब्लू शेड आपको नहीं मिलता है, आपको सटल ब्लू शेड मिलता है, और ये है कुछ इस तरीके का प्रिंट जो आपको देखने के लिए मिलेगा कुर्ते के फ्रंट पोर्शन पे ही। और ये जो है सेम प्रिंट आपको बैक में भी मिल जाता है। ऐसा वाला रेयॉन मटेरियल नहीं है जो वॉश के बाद में फटाफट फट जाए, जिनमें छेद हो जाते हैं। इसका रेयॉन मटेरियल काफी अच्छी क्वालिटी का है, और बैक की अगर मैं बात करूं तो बैक में भी आपको कुछ सेम इस तरीके से प्रिंट मिल जाता है। ये भी मतलब एक तरीके का कुर्ता है, जिसे अगर आप चाहो तो प्लाजो के साथ में जैसे मैंने पेयर किया है वैसे पेयर करके भी ऑफिस वगैरह आप जा सकते हो, वरना कुर्ती ड्रेस के तरीके से वेयर करके आप अपने मॉल वगैरह भी घूमने जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूं वो है एक रेड कलर का एक और कुर्ती ड्रेस, ये भी मुझे काफी अच्छी लगी। इस बार थोड़े से ज्यादा रेड हो गए, बट क्योंकि ये अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने इसे पिक किया। लेकिन ये वाला जो फैब्रिक है ये कॉटन रेयॉन ब्लेंडेड मटेरियल का आपको मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, वॉश के बाद में श्रिंक नहीं होगा, ये एक इस तरीके का फैब्रिक है, और ये भी एक ऐसा कुर्ती है जिसके साथ में अगर आप चाहो तो इसके साथ में वही बॉटम भी पेयर कर सकते हो, अदरवाइज कुर्ती ड्रेस के तरीके से पेयर करो, इसको वेयर करो। लेकिन इसके साथ में अगर आप कमर पे बेल्ट लगाओगे ना तो और इसका लुक जो है एनहेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इसका फ्रंट लुक, तो ये है प्रिंटेड इस तरीके से, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। कट स्लीव्स आपको ये कुर्ती ड्रेस मिलेगा, प्रिंटेड है, बटन्स पूरे ओपन होंगे नहीं होंगे वो मैं अभी आपको चेक करके बताऊंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है इसका फ्रंट लुक। इसमें भी आपको मिल जाती है पॉकेट, पॉकेट बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इसमें आपको पॉकेट मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी बटन्स की, तो क्या बटन्स ओपन हो जाते हैं, तो अरे वाह ये तो कमाल हो गया। ये वाली जो ड्रेस है कुर्ती ड्रेस, इसके सारे बटन्स ओपन हो जाते हैं। ये ऊपर का भी बटन ओपन हो जाता है और मैंने लास्ट का बटन भी ओपन करके देखा है, तो ये
मतलब एक ऐसी ड्रेस है जिसके सारे बटन ओपन हो जाते हैं। तो ये इस वीडियो में भी मैं कहूंगी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हमेशा इस तरीके के आउटफिट्स को देखती हैं अपने लिए जिनके सारे बटन्स फ्रंट से ओपन होते हो। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो भी आप डेफिनेटली इस कुर्ती ड्रेस को बाय कर सकती है, आपको इजी रहेगा। और बाकी हम जैसे लोग तो डेफिनेटली बाय कर ही सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट लेवल भी एक बहुत जरूरी चीज है। आप हेयर बनाएंगे, मेकअप बनाएंगे, अच्छे से रेडी होके जब आप इस ड्रेस को पहनेंगे तो आगे से अगर बटन्स इजीली ओपन हो जाते हैं तो ड्रेस को वेयर करने में भी आसानी हो जाती है और हेयर मेकअप भी नहीं बिगड़ता। बैक की अगर मैं बात करूं तो ये है इसका बैक, आपको मिलेगा सेम प्रिंट। आप देखो फ्लेयर काफी अच्छा है, इनफैक्ट कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है और प्रिंट भी आपको बहुत डिसेंट मिलता है। तो ये वाला ड्रेस अगर आप चाहो तो पिक कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉटन के एक कुर्ता सेट की। ये भी मैंने एल साइज में ही लिया है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1400-1500 रुपए करीबन आपको पड़ेगा ये, बट फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो आप चाहो तो इसको डेली वेयर के हिसाब से या ऑफिस वेयर के हिसाब से ले सकते हो। मुझे इसका पैटर्न वगैरह काफी अच्छा लगा, बट ये एल साइज में मुझे काफी लूज आ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी और मेरी हेल्थ सेम है तो आपको इसमें मीडियम साइज पिक करना है आपके लिए। एल तो मुझे काफी लूज आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे इसका ये जो प्लीटेड पैटर्न है ना फ्रंट का ऊपर का, ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पे आपको ये कॉटन मटेरियल का कुर्ता सेट मिलेगा, मस्टर्ड येलो शेड का प्लेटेड पैटर्न आपको मिलेगा ऊपर। यहाँ पे आपको ये जो बटन्स दिख रहे हैं ये ऊपर के सारे बटन्स ओपन हो जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। बात करते हैं इसके फ्रंट पोर्शन की, तो प्लेटेड पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है इसका फ्लेयर। इस कुर्ते में साइड में भी यहाँ पे आपको प्रिंट मिल जाता है कुछ इस तरीके से, स्टार्ट टू एंड तक साइड में एक काफी अच्छा खासा लंबा आपको कट भी मिलेगा। इसके जो स्लीव्स हैं वो आपको मिल जाती हैं काफी अच्छी खासी लंबी, और प्रिंटेड इस तरीके से आपको स्लीव्स मिल जाती हैं, ठीक है। और बैक की अगर मैं बात करूं तो बैक में भी आपको प्रिंट मिलता है स्लीव्स में भी, ठीक है। और ये आपको जो प्रिंट मिलता है ये आपको सेल्फ नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ मिलेगा कुर्ते पे प्रिंट। और बैक जो है ये आपको कंप्लीटली बैक जो है इसका प्लेन मिलता है। इसके साथ में आपको मिलता है प्रिंटेड बॉटम ही, ये आपको मिलेगा कॉटन मटेरियल का ही बॉटम, स्ट्रेचेबल इलास्टिक है। बॉटम में आपको दोनों तरफ पॉकेट मिलेगी, तो ये ऑफिस में वेयर करने के हिसाब से काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा समर्स के हिसाब से, क्योंकि कॉटन का भी है ना, तो पूरे दिन पहन के ऑफिस में काम भी करेंगे तो भी आपको कंफर्टेबल फील होगा। और ये इसका प्रिंटेड बॉटम है, मतलब जो प्रिंट है बॉटम के वो फ्रंट में भी है बैक में भी है। तो थोड़ा सा स्लाइटली सा मैं कहूंगी कि रेंज में हाई है, बट मेरे हिसाब से अगर हम कंफर्ट लेवल देख रहे हैं तो प्राइस पे करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, तो आप डेफिनेटली चाहो तो इसे ले सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ एक लाइट ब्लू शेड की आपको मैं दिखाती हूँ ड्रेस, और ये भी कॉटन मटेरियल की है और बहुत ही लाइट है शेड में। इसका कलर कॉम्बिनेशन और प्रिंट भी मुझे काफी अच्छा लगा। ये आप देखो कितना सुंदर प्रिंट है इसके ऊपर। ये भी एक ऐसी कुर्ती ड्रेस है जिसको आप चाहो तो रेड कलर के या पिंक कलर के बॉटम के साथ पेयर अप कर सकते हो, व्हाइट कलर के बॉटम के साथ पेयर कर सकते हो, या डेफिनेटली अगर आप चाहो तो जैसा कि मैंने कहा कुर्ती ड्रेस के तरीके से भी पहन सकते हो। ये है इस कुर्ती का फ्रंट। इसको मैंने क्यों पिक किया आप लोगों के लिए, यहाँ पे देखिए क्यूट सी ना दो फ्रंट में पॉकेट आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो बटन्स की डिटेलिंग मिलती है वो भी हम देख लेते हैं। ऑल राइट, फिर से एक बार हमारे पास एक ऐसी कुर्ती ड्रेस है जिसके सारे बटन्स ओपन हो जाते हैं, तो भाई ये वेकेशंस के हिसाब से तो बहुत कंफर्टेबल ऑप्शन है ही। साथ में ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी एक और अच्छा ऑप्शन आया है, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स अगर अपने लिए कोई ड्रेस देख रही हैं तो वो डेफिनेटली इसे ले सकती हैं। बैक की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आपको प्रिंट देखने के लिए मिलेगा बैक में, छोटू वाला आपको स्लीव्स मिलेगा, फ्लेयर अच्छा है, फिट अच्छा है, ब्रीथेबल फैब्रिक है, स्किन फ्रेंडली आपको फैब्रिक मिल जाता है। प्राइस भी इसका ज्यादा नहीं है, अंडर 1000 रुपीस है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसको भी आप पिक करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा यार, ये काफी अच्छा है। जिनको ऐसा है ना कि भाई हम तो बहुत ही कम प्लाजोस के साथ में कुर्तीज को वेयर करना पसंद करते हैं, और जो स्ट्रेट स्ट्रेट कुर्तीज पे ज्यादा नहीं जाते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक पे जाते हैं, थोड़ा सा ट्रेंडी लुक पे जाते हैं, जिनको बेसिक से हटके थोड़ा कुछ पहनना पसंद है तो वो इसको ले सकते हैं। अच्छी है यार, आप ट्राई करके देखिए। ऐसे ही कोई भी चीज आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, अच्छी चीज है इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट आपको
दिखाती हूँ और लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक श्रग है। आपके पास में अगर ब्लैक शेड का कोई भी बॉडी कॉम ड्रेस हो जिसे आप अंदर पहन के उसके ऊपर ये श्रग पहनना चाहो तो आप ऐसे भी पहन सकते हो, या अगर आपके पास में ब्लैक कलर का कोई भी लॉन्ग इनर हो तो वो आप पहन के उसके ऊपर भी इस श्रग को पहन सकते हो। बट ये बहुत स्टाइलिश है, एक बार आप इसके ऊपर नजर डालो तो ये आपको प्योर कॉटन मटेरियल का मिलेगा। इस तरीके से आपको मिल जाता है प्रिंट इसके ऊपर, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर श्रग है। ठीक है, ये वाला जो श्रग है इसे भी मैंने एल साइज में लिया है। अब आप ये इसका फ्रंट लुक देखो, यहां सेंटर में ना इसमें एक बटन है जो आपको मिलता है और ये है श्रग का फ्लेयर। ठीक है, काफी अच्छा फ्लेयर है और जैसा कि मैंने कहा हाई लो पैटर्न आपको मिलता है तो फ्लेयर बहुत अच्छा है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप चाहो तो इसे श्रग के तरीके से पहनो, अदरवाइज आप चाहो ना तो फ्रंट से इसे स्टिच करा लो और पूरा आप ड्रेस के तरीके से इसे पहनो, बहुत अच्छा लगेगा। बैक की अगर मैं बात करूं तो बैक में आपको इस तरीके से सेम प्रिंट मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो यार मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है, इसको भी मैंने अंडर 1000 रुपीज लिया है एंड डेफिनेटली वर्थ इट है, बहुत ही सही चीज है ये। तो मैंने इस ड्रेस को काफी अच्छे से आप लोगों को स्टाइल करके दिखाया है, सेम तरीके से अगर आप चाहें तो आप भी स्टाइल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा श्रग, एक बार लेके देखिए। मुझे लगता है कि ये वेयर करने में भी कंफर्टेबल है और प्राइस वाइज भी डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है। पैसा भी इसका कुछ बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, नॉर्मल प्राइस इसका है। तो आप इसको भी लो और अपने जीन्स के साथ में भी चाहो तो पेयर कर लो, जीन्स टॉप के साथ में भी, या शॉर्ट ब्लैक कलर की जैसा कि मैंने कहा ड्रेसेस जो होती हैं उनके ऊपर आप इसे वेयर करो ताकि आपकी ड्रेस का लुक जो है वो और ज्यादा बेटर लगे। तो अलग अलग तरीके से आप इस श्रग के साथ में क्या है स्टाइलिंग कर सकते हो, तो ये डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको पिक करना चाहिए आज के हॉल में से। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नए हॉल वीडियो में नए कलेक्शन के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।